पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम चुनाव का बिगुल बजते ही सभी प्रत्याशियों ने प्रचार करना शुरू कर दिया है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी से महापौर पद प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ दिल्ली रोड स्थित राही होटल में पंडित गोपाल दत्त शास्त्री ने विधिवत पूजा अर्चना और हवन के साथ संपन्न कराया। महापौर पद प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने बताया कि पार्टी नेतृत्व में मुझे तीसरी बार महापौर बनने का आशीर्वाद दिया है। मुझे आप सभी के सहयोग से संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। हम महानगर को विकास के पथ पर लेकर चले हैं और ये क्रम चलता रहेगा। तीन बार वीना अग्रवाल महापौर बनी थी, मैं भी दो बार महापौर बना हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से तीसरी बार महापौर बनना है। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी, महानगर प्रभारी वाईपी सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह वैद्य, पूर्व पिछड़ा आयोग सदस्य गिरीश वर्मा, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, के मिश्रा, राजू कालरा, राजेश रस्तोगी, मनोज गुप्ता, महेश अग्रवाल, काव्य रस्तोगी, प्रिया अग्रवाल, अल्पना, रितेश गुप्ता, सिद्धार्थ शर्मा आदि के साथ और भी पदाधिकारी उपस्थित रहे। परंपरागत रूप से भगवान को ईश्वर को साक्षी मानकर आज हवन पूजन किया, जीत की विजय श्री की कामना की। पांचवी बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, और हमारा नारा यही है, आओ बनाए एक बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार। अपने काम के आधार पर जनता के बीच जाइए, जिन लोगों को काम नजर आ रहा है वो सब मेरे साथ हैं। बाकी मैं ऐसा फाइट इस बार किससे रहने वाली, पिछली बार दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, क्या चीज पहले कांग्रेस और आप बीजेपी की फाइट रही, इस बार किससे रहने वाली है फाइट? ये तो बस वो लोग तय करेंगे, मुझे थोड़ा तय करना है किससे फाइट होगी। आपको क्या लगता है? ये क्या लगेगा, मैं तो अपने चुनाव में लगा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं सभी समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, 15 वार्डों से मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हैं, सारे मुस्लिम समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैंने काम किया है बिना भेदभाव के, बाकी जो अन्य हमारे मुस्लिम प्रत्याशी जीते हुए विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपने काम गिना लें, वो अपने पत्थर गिना लें कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। जी मेरा नाम फरहान अंसारी है और मैं 41 वार्ड से प्रत्याशी हूँ, भाजपा प्रत्याशी। अच्छा, भाजपा ने क्योंकि इस बार मुस्लिम प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है, किस तरह की तैयारियाँ हैं? इस बार भाजपा ने हम पे भरोसा जताया है और हम पूरा पूरी कोशिश करेंगे और जीत के ही आएंगे। मुसलमान मेरे भाइयों से अपील करती हूँ कि जैसे भरोसा भाजपा ने हम पे जताया है वैसे ही हमें पूरा पूरा सपोर्ट भाजपा को देना है। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज देखा जाता है कि भाजपा को वोट नहीं देता, ऐसी स्थिति में कहीं चुनौती? पहले भाजपा के लिए और विरोधी लोगों ने ऐसा भय बना रखा था ना कि मुस्लिम लोग आगे नहीं बढ़ पाते थे, उनके दिल में ये भय बना रखा था कि मुस्लिम भाजपा की बहुत विरोध है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आज ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं आप देखिए, मुसलमान ही ज़्यादा भाजपा की योजनाएं, सरकार की योजनाएं प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए मैं सबसे अपने मुस्लिम भाइयों से भी अपील करना चाहूँगी, जैसे भाजपा हमें अपना रहा है वैसे ही आप लोग सबको प्यार से गले से सब भाजपा को लगाएं और आगे विजय कराएं। आज मेयर साहब का कार्यालय का जी आज मेयर साहब का बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन था, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।